मेरे साथ एक ऐसी मज़लूम बच्ची मौजूद हैं जो कि पेट की भूख मिटाने की खातिर जो है फैसलाबाद से जिन्होंने लाहौर का रुख किया, और एक ऐसे जो है शख्स के हाथों चढ़ गई, दरिंदा सिफ्त शख्स के हाथों चढ़ गई, जिसने अरसा 1.5 साल से शादी का झांसा देकर जिसको जो है जना जिसके साथ जना बिल जब्र करता रहा, ज़्यादती का निशाना बनाता रहा और जिसम फिरोशी करवाता रहा उसे। जिसम फिरोशी के साथ साथ नाज़रीन मैं आपको बताती चलूँ, एक जो ख़तरनाक नशा है जिसका नाम लेने से भी रूह कांपती है, उस नशे का नाम है आइस का नशा। इसको करवा के, ड्रग्स करवा कर इसको बाय रोड जिसम फिरोशी के लिए भेजा गया। नाज़रीन आइए इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनके दुख में इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं इनके साथ ऐसा क्यों हुआ और कब से ऐसा होता चला आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है? ठीक। क्या नाम है आपका? आयशा। आयशा मुझे ये बताओ कि आप फैसलाबाद से लाहौर आई हो, कितना अर्सा हो गया? 1.5 साल। 1.5 साल। अच्छा, 1.5 साल से ही आपके साथ जना बिल जबर कर रहे हैं? जी, 1 साल होने वाला रिलेशन। निकाह का झांसा देकर आपको आपके साथ ज्यादती कर, आप क्या करती हो? निकाह करी। आप क्या करती हो? मैं रोड पे। रोड पे जिसम फिरोशी करती हो? नशा करती हो? जी, ये करवाते हैं। कौन सा नशा करती हो? करवाते हैं। आइस करती हो? आइस करके आपको मतलब आपके जिस्म से रूह नहीं निकलती? ये करवाते हैं। ये आप मुझे ये बताइएगा कि एक कितना ख़तरनाक नशा है, आप अपने जिस्म अपने खून के अंदर उस नशे को मिला रही हैं, आपको को एहसास नहीं होता? होता है, होती तकलीफ नहीं होती? बर्बाद की है मुझे, इसने करवाया, मैंने कभी कुछ नहीं किया था। आपके साथ ये जो जितने भी मामलात होते आ रहे हैं, आपके वालिदैन को इस चीज़ का पता है? आपने कभी अपने वालिदैन को नहीं बताया कि आपके साथ क्या हो रहा है? इसने अब बताया मेरे घर वाले टॉर्चर करते हैं। नाजरीन देखें, अभी मैं आपको टॉर्चर करता है, मारता पीटता भी आपको? कोई आपके निशानात जो है तशद्दुद के निशान दिखाइएगा ज़रा आपने जी। अब मेरा आपको कैमरामैन अगर दिखाए तो ये देखिएगा इस बच्ची के हाथों पे निशान तशद्दुद के, जो मैं जहाँ पर आपको मैं बताती चलूँ कि कुछ निशानात हैं जिस पे मैं कैमरा नहीं घुमा सकती क्योंकि वो एक औरत हैं, औरत होने के नाते मैं इनकी इज़्ज़त को कवर करने की कोशिश करूँगी। इनके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं जो कि मैंने खुद देखे हैं अपनी आँखों से। अब अगर अब नाज़रीन मैं आपको दिखाती चलूँ, यहाँ देखिएगा इसके तशद्दुद करने के बाद जो इसके घर की हालत की गई है, ये आप देख सकते हैं, इसके घर की जो तबाही उतारी गई है, इसके घर की तमाम तोड़ फोड़ करके इसके घर को तहस नहस कर दिया गया इसके घर को, और जो है पुलिस अफसरान के ये चक्कर लगाती रही। इनसे जानते हैं पुलिस में कंप्लेन इन्होंने क्यों नहीं करवाई? आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाई? करवाई है, वो इनके साथ मिले हुए हैं। निकाह नहीं करा? करते हैं निकाह, लेकिन वहाँ पर मान गया आ जाते, यहाँ आके मारते हैं मुझे, जिसमानी टॉर्चर करता है। जिस्मानी टॉर्चर करता है? जहनी और जिस्मानी दोनों ही। जी नाज़रीन, जैसा कि आयशा ने आपको बताया कि ड्रग्स का नशा देकर इन मारते गिलास तोड़ के कांच मारे हैं इसने। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको आयशा ने बताया कि ड्रग्स देकर इनको जिस्मानी तशद्दुद के साथ साथ जो है, अगर मैं आपको दिखाऊं इस कांच के साथ जो है, ये देख लें इस आईने के टुकड़े, ये जो शीशे का टुकड़ा आपको दिख रहा है, इस टुकड़े के साथ इसके जिस्म पे तशद्दुद किया गया, इसको टॉर्चर किया गया, मेंटली टॉर्चर करने के लिए इसको ड्रग्स दिए जाते हैं और ड्रग्स देकर जो है जिस्मानी ताल्लुकात गैर मर्दों से करने पर मजबूर किया जाता है, अगर नहीं करती तो इसको टॉर्चर किया जाता है। पुलिस का रुख किया इस लड़की ने, 3-4 दिन हो गया पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए, लेकिन पुलिस अफसरान जो हैं इनके साथ मिल जाते हैं और निकाह का जो कैमरे की रिकॉर्डिंग के मुताबिक जो है निकाह का कह के जब घर की तरफ आते हैं वापस, तो फिर वही टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन मैं गवर्नमेंट से मेरी अपील है और तमाम उस पुलिस अफसरान से जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस बच्ची को जो है तहफ़ देने की कोशिश की जाए, इस बच्ची की सेफ्टी के लिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक बार फिर जो अम्मा हवा की बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया जा रहा है उसको रोका जाए, जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए क्योंकि अम्मा हवा की बेटी को फिर से जलील किया जा रहा है।